अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ओप्पो अपकमिंग मोबाइल 2023 में जो लॉन्च होने जा रहे हैं टॉप 5 मोबाइल्स के हवाले से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि जो 2023 में मोबाइल्स ओप्पो के लॉन्च होने जा रहे हैं टॉप 5 मोबाइल के डिटेल। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन से वो मोबाइल है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले तमाम तर दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि ऐसी ही नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो कौन से टॉप 5 मोबाइल्स हैं। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है 2023 में ओप्पो का, ओप्पो रेनो 9 है। और इसकी कैपेसिटी के हवाले से कुछ बात करते हैं तो इसका जो रेयर कैमरा है 64 MP आपको मेगापिक्सल मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा जो है वो आपको 32 MP मिल जाएगा। डिस्प्ले 6.4 इंच है और 8 GB इसकी रैम जो आपको रैम मिल जाएगी और 4500 mAh बैटरी भी आपको इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही साथ मेमोरी की बात करें तो 256 और 512 GB भी मिल जाएगा ये मोबाइल। और प्राइस की बात करें तो ये पाकिस्तान में 2023 में लॉन्च होगा और प्राइस भी इसके मुनासिब है, माकूल है। तकरीबन 1 लाख रुपए का इसका प्राइस पाकिस्तान में है। तो दोस्तों ये एक नंबर 1 पे जो होगा। और अब चलते हैं हम अपने सेकेंड मोबाइल की तरफ। जी नाज़रीन, तो नंबर 2 पे जो मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है ओप्पो रेनो 9 प्रो है। जी हाँ दोस्तों, पिछला मोबाइल आपने देखा था वो ओप्पो रेनो 9 था, ये 9 प्रो है। और इसकी कैपेसिटी कुछ इस तरह से है कि 50 MP कैमरा रियर कैमरा आपको मिल जाएगा, 32 MP फ्रंट कैमरा है। और इसकी मेमोरी की बात करें तो मेमोरी 256 में भी मिलेगा, 512 में भी आपको मिल जाएगा। 6.7 इंच इसका डिस्प्ले है, ये डिफरेंट है क्योंकि 9 जो था ओप्पो 9 वो तकरीबन 6.4 था डिस्प्ले और इसका 6.7 है। तो बैटरी इसकी सेम है, 4500 mAh है। और प्राइस इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो 1 लाख रुपए की प्राइस में था और ये 1,06,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये नंबर 2 पे मोबाइल था ओप्पो रेनो 9 प्रो। तो चलिए चलते हैं हम अपनी तीसरे मोबाइल की तरफ। जी नाज़रीन, तो ओप्पो रेनो 9 प्रो के हवाले से आपने जाना नंबर 2 पे। नंबर 3 पे मोबाइल जो लॉन्च होने जा रहा है 2023 में वो है ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस। जी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों मोबाइल से। और इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो कैमरा इसका सेम है, 50 MP इसका रेयर कैमरा है और फ्रंट कैमरा भी इसका सेम है। मेमोरी इसकी भी सेम है 256 में और 512 में। बैटरी इसकी जो है वो भी तकरीबन आपको सेम मिल जाएगी। प्रोसेसर में इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट फ़र्क नज़र आएगा, ये 3.2 GHz ऑक्टा कोर आपको प्रोसेसर मिल जाएगा। वेट भी इसका थोड़ा सा डिफरेंट है और डिस्प्ले जो है वो आपको सेम मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इसके प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट है, 1,32,000 में ये अवेलेबल होगा दोस्तों। तो ये इसका डिफरेंट है इसमें। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल नंबर 4 की तरफ। जी नाज़रीन, तो नंबर 4 पे जो मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है ओप्पो की तरफ से, उसका नेम ओप्पो रेनो 8 प्रो है। और ये भी बड़ा ही खूबसूरत और उमदा मोबाइल है, इसके कुछ फीचर्स भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो भी ओप्पो रेनो 9 प्रो प्लस की तरह 6.7 है। कैमरा भी उसका सेम ही है, 50 MP रेयर कैमरा है और फ्रंट कैमरा जो है वो 32 MP है। रैम की बात करें तो रैम इसकी 8 GB में आपको ये मिल जाएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। और 128 और 256 GB में ये आपको मेमोरी भी मिल जाएगी जो कि ओप्पो रेनो 9 प्रो से डिफरेंट है। वेट भी इसका डिफरेंट है लेकिन बैटरी टाइमिंग इसकी सेम 4500 है। दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस में ये तकरीबन 99,000 के करीब आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो ये थी ओप्पो रेनो 8 की कुछ डिटेल्स। तो चलिए चलते हैं हम अपने 5वें और लास्ट मोबाइल की तरफ। जी, ओप्पो का जो 5वां मोबाइल है जो कि टॉप 5 मोबाइल में से एक है, ओप्पो रेनो 8 प्रो प्लस है ये। और इसकी कुछ कैपेसिटीज भी सेम है ओप्पो रेनो 8 के हवाले से। जैसे कि आप कैमरा की बात करें तो ये 50 MP मिल जाएगा, फ्रंट कैमरा 32 MP मिल जाएगा, रैम इसकी 8 GB मिल जाएगी आपको और मेमोरी इसकी डिफरेंट है थोड़ी सी, 256 और 512 GB मिल जाएगी। डिस्प्ले सेम है, 6.7 इंचज़ है। और जो इसकी बैटरी टाइमिंग और बैटरी कैपेसिटी है वो आपको 4500 mAh जो है ना MAH मिल जाएगी। दोस्तों प्राइस इसके काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि प्राइस जो ओप्पो रेनो 8 था उसका तकरीबन 99,000 था और ये आपको 1,19,000 में अवेलेबल होगा मार्केट में। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 मोबाइल अपकमिंग जो कि 2023 में लॉन्च होने जा रहे हैं ओप्पो की तरफ से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर आप पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँ।